माता जी का प्रश्न ये है कि कोई भक्त है, कोई व्यक्ति है, वो भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, हो सकता है दीक्षा भी हो गई हो, अच्छे से 4 नियम कर रहा है, जो भी भक्ति में होता है सब कर रहा है, लेकिन अपने परिवार के स्वार्थ के चलते, अपने बीवी बच्चों के स्वार्थ के चलते दूसरे भक्तों को धोखा भी दे रहा है, तो क्या कोई भक्त ऐसा कर सकता है क्या? ये माता जी का प्रश्न है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर एक पंखा चल रहा है और आपने पंखे का स्विच ऑफ किया, तो पंखा एकदम से नहीं रुकता, उसको रुकने में टाइम लगता है और पंखा घूमता रहता है, पर घूमते रहते हैं, धीरे 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 स्लो होता रहता है वो। इसी तरह से भक्ति में जुड़ने से ऐसा नहीं है कि तुरंत सारे दोष, सारे हमारे जो मन में कलुषित भावनाएं हैं वो सारे पहले दिन ही ख़त्म हो जाएंगे, हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार काफ़ी समय तक हमारे साथ चलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि भक्तों से व्यवहार करते समय हमें, जो अगर हम कुछ पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर हम किसी से, किसी भक्तों से किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार करें, तो हमें चाहिए कि पहले वरिष्ठ वैष्णव से सलाह मशवरा करने के बाद करें। एक भक्त मेरे पास आए, कई साल पहले की बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, सन 2010-11 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक भक्त आए, उन्होंने बोला कि जी वो फलाना भक्त है और बहुत अच्छा भक्त, बहुत ही बढ़िया भक्त, उसको कुछ परेशानी आ रही है, वो कुछ पैसे मेरे से मांग रहा है, मेरे पास रखे भी हुए हैं, तो अगर आप बोलो तो मैं उनको दे दूं। मैंने बोला भाई वो मेरे पास भी आए थे, मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं दे सकता, अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, ये सोच के देना कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे, तो मन में कोई दुख मत लेके आना। अब उनके आपस में इतना संबंध, इतना गाढ़ा था कि वो उसको मना नहीं कर पाए, उन्होंने उसको वो पैसे दे ही दिए, उन्होंने वो पैसे आज तक उनको कभी वापस नहीं मिले। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा प्रभु जी आपने मुझे मना भी किया था, फिर भी मैं बस उनको पैसे दे बैठा, तो मेरे को काफ़ी परेशानी आई। परेशानी क्या आई, कह रहे मैंने उस पैसे पे जो है काटा मार दिया, मैंने सोचा कि भाई ये पैसे मेरे थे ही नहीं, ख़त्म हो गई बात, ये सोच के उन्होंने अपने मन में संतोष किया। तो कोई भक्त माला कर रहा है या 4 नियमों का पालन कर रहा है, इससे ये कोई सिद्ध नहीं होता कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से निष्कलंक ही होगा। धीरे 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 जैसे हम व्यवहारिक जीवन में दूसरे लोगों को परख के धीरे धीरे उनसे अपना संबंध बनाते हैं, ऐसे भक्ति में भी जब आप जो भक्तों से मिलते जुलते हैं, तो उनसे धीरे धीरे उनको परख के, थोड़ा थोड़ा उनसे व्यवहार करके, धीरे कई सालों में उनको परख के, फिर उन पर विश्वास जमाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 16 माला करने वाले सारे भक्त परमहंस हैं, ऐसा कोई उसकी गारंटी नहीं है। अभी कल ही मैंने फेसबुक पे एक किसी ने, भक्त ने खबर डाली है एक 25-30 साल पुराने भक्त के बारे में कि वो उसके 25,000 रुपये लेके भाग गया। अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि भक्ति खराब है? नहीं, भक्ति खराब नहीं है, लेकिन भक्तों में पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं,
वो अभी उनके अंदर वो उसके चलते ना चाहते हुए भी कई बार गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए खिलाने पिलाने में 6 तरह के व्यवहार उन्मुक्त बिल्कुल बहुत अच्छे से कीजिए। ददाति प्रति घनाति गुह्यम आख्याति प्रचति भुंक्ते भोजते चैव षठ विधि प्रीति लक्षणम। ये रूपा गोस्वामी प्रीति के 6 लक्षण बताते हैं कि आप उपहार दीजिए, ददाति उपहार दीजिए, प्रति घनाति उपहार स्वीकार कीजिए, गुह्यम आख्याति प्रचति आप भक्तों को अपने हृदय की बात बताइए, उनके हृदय की बात सुनिए, भुंकते भोजते चैव आप भक्तों के घर प्रसाद खाने चाहिए और भक्तों को अपने घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रण कीजिए। ये 6 कार्य आप जो है जितना आप कर सकते हैं कीजिए, उसमें भी हृदय की बात भी सावधानी पूर्वक की बतानी चाहिए। इसके अलावा जो पैसों का लेन देन है उसमें सावधानी बरतेंगे तो ही आप बचेंगे, नहीं तो आप व्यक्तिगत दोष के लिए भक्ति पर भी कई बार लांछन आप लगाने की बात कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भक्त ने आपके साथ कुछ गलत कर ही दिया तो भी भक्ति पे लांछन नहीं लगे, इस कारण से उस बात को पी जाना चाहिए आपको। चलो हो गया, किसी को जाके बोलूँगी तो भक्ति पे दोष आ सकता है, भक्तों पे दोष आ सकता है, दूसरे भक्तों पे प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा करके उस बात का ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिए। केवल वरिष्ठ वैष्णवों को बता के अपने मन में संतोष कर लीजिए, ठीक है।